evaporation in sunlight and shade. ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी प्रैक्टिकल करने से पहले हमें उसके बारे में अच्छे से पहले नॉलेज होना चाहिए. ओके सो मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी पहले, जो आज की हमारा प्रैक्टिकल है उसके ऊपर पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी. ओके एवरीवन, आई एम शेयरिंग यू अ स्क्रीन. में भी कुछ प्रॉब्लम है, शेयर नहीं हो पा रहा है. ओके जस्ट अ मिनट. वाटर के ऊपर एक छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स रहते थे. सी वाटर था ना, उसके वाटर के ऊपर छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स रहते थे. लेकिन क्या हुआ, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, बहुत ज्यादा मतलब गर्मी थी. मींस वन डे द वाटर इन द सी टर्न टू हॉट ऑन द सरफेस एंड आई लॉन्ग विद द सम ऑफ माय फ्रेंड्स फेल्ट बीइंग कूल्ड अप इन द एयर. वॉटर ड्रॉपलेट ने क्या देखा कि थोड़ी देर की इतनी ज्यादा गर्मी है और मैं अपने घर में नहीं हूँ, सरफेस में नहीं हूँ, मैं कहीं दूर उड़ रहा हूँ. बट मैं वो वैसा वॉटर ड्रॉपलेट नहीं रहा हूँ, मैं वेपर्स की फॉर्म में आ गया हूँ. और वो उड़ता चला गया, उड़ता चला गया, उड़ता चला गया. देन क्या हुआ, जो बहुत सारी हाइट पे पहुंच गया वो, तो उसने देखा कि मेरे साथ कुछ और भी फ्रेंड्स थे वाटर वेपर्स की फॉर्म में. कोई जो थे ट्रांसपीरेशन के थ्रू आए थे, लीव्स के सरफेस में से आए थे. और आपको पता है लीव के सरफेस में से वाटर वेपर्स किसकी फॉर्म में आते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. तो वो आपस में फ्रेंड्स बन गए. तो एक वाटर ड्रॉपलेट बोले, वाटर वेपर था, कि आप कहाँ से आए हो सर? वो बोलते मैं तो अब सी से आया हूँ, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन. और बोलता आप कहाँ से आया हो, आप कहाँ से आए हो? सेकंड ड्रॉप बोलती है कि मैं तो जो है वो स्लीप के सरफेस में से आया हूँ, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन. बोलने का मतलब है आपके आपकी जो रेनफॉल होती है वो बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन के थ्रू भी होती है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन के थ्रू भी होती है. उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स इवेपोरेशन से ही नहीं आएंगी, ट्रांसपीरेशन के थ्रू भी आएंगी. ठीक है, तो आज का प्रैक्टिकल हम यहाँ पे ऊपर करेंगे. ठीक है, जब पानी बहुत ज्यादा जब टू मच हीट होती है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो वाटर जो है वो करता है वेपर्स की फॉर्म में फ्लाई कर जाता है और बहुत हाइट पे पहुंच जाता है. ठीक है, अब बहुत हाइट पे जब जाएगा वो वाटर वेपर, उसे बहुत ठंड लगती है. ठीक है, तो वो क्या करता है, फिर से कंडेंसेशन की प्रोसेस के थ्रू वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो जाता है. फिर बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में एक क्लाउड फॉर्म करती है. ठीक है, तो ये थी एक स्टोरी. तो अभी हम जो प्रैक्टिकल करेंगे, द प्रोसीजर ऑफ दिस प्रैक्टिकल इज टेक अ टू सिमिलर बॉल्स. आपने दो सिमिलर बॉल्स लेने हैं. ठीक है, इस तरह के आपने क्या करना है, एक बॉल को ए एंड सेकंड को बी, नेमिंग देम ए एंड डी, इसे नेम कर लेना है. माय पेन. ठीक है,
इसमें हमने ए नेमिंग एंड सेकेंड वन में हम बी नेमिंग करी. देन व्हाट विल वी डू? मार्कर. यस. नाउ फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन दीज टू बोल, हम दोनों में इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे. ठीक है, दोनों में आपने क्या करना है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर पोर करना है. आप शुरू से बता दो क्या करना है. बच्चे टेक अ टू बोल, ठीक है, टू बोल्स लिए आपने, ठीक है, एंड नेमिंग देम ए एंड बी विद द हेल्प ऑफ मार्कर इफ यू हैव. अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो व्हाइट शीट ले, वन बॉल को उस व्हाइट शीट में ए लिखे एंड सेकेंड वन में बी, राइट द बी इन द सेकेंड वन. देन पुट द टू बॉल्स ऑन द डिफरेंट टू शीट्स, ठीक है, ए एंड बी शीट्स में दोनों को बॉल को रख देना है. बट इसमें आप वॉटर डालोगे, इक्वल अमाउंट ऑफ वॉटर इसमें डालना है, दोनों का लेवल सेम होना चाहिए. ठीक है, दोनों का लेवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ओके ओके, अब क्या करेंगे हम, एक काम और कर, छोटा सा क्या करोगे ना, यहाँ पे वाटर का लेवल जो है, देखो यहाँ पे देखो, लुक एट दिस ऑन जस्ट अ मिनट. दोनों पे वाटर लेवल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो वाटर का सरफेस है ना, इसमें छोटा सा पीस, पेपर पीस, यहाँ पे जहाँ पे लेवल आ रहा है, वाटर लेवल है, वहां पे चिपका देंगे छोटा सा पीस, इसमें पीस ऑफ पेपर, इसमें थोड़ा सा लेवल के ऊपर रख देंगे जहाँ पे वाटर का लेवल है. मैम वी कैन ऑल्सो मार्क इट विद मार्कर. Yes, you will. You can also do with the marker. But मैंने यहाँ पे देखो थोड़ा सा पेपर यहाँ पे मैंने क्या अटैच कर दिया है, जिसमें वॉटर लेवल पता चल रहा है. ओके, सेकेंड वन में भी हम ऐसे करेंगे, ऐसे ही एक पेपर यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सरफेस ऑफ द वॉटर पे हम एक पेपर अटैच कर देंगे जिसमें हमें लेवल पता चलता है वॉटर का. ओके okay? मैम डन. ओके बच्चे, ओके नाउ देन व्हाट वी विल डू, प्लेस बोल ए इन फ्रंट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट. ठीक है मैम, कैन यू शो योर बॉल? यस वेट, इज इट विजिबल? यस. Yes. Can you see this clearly? थोड़ा सा वॉटर भी ले सकते हैं. थोड़ा सा वॉटर मीन्स आपको यहाँ तक फिल करना है ना, इन दोनों बॉल्स को आप यहाँ तक फिल करना है मैम, लाइक दिस. देन एक भी अटैच करोगे मैम, सेजल लाइक दिस. जस्ट अ मिनट सेजल, माइक ऑन करें ना सेजल, पहले अपना माइक ऑन करो बच्चे. ओके, दोनों में सेम लेवल इक्वल होना चाहिए, तो वाटर लेवल अगर आप, यस मैम वाटर लेवल इज इक्वल. हाँ, यू कैन टेक इक्वल प्लेस ए को आप प्लेस करना इन फ्रंट ऑफ डायरेक्ट सनलाइट. ठीक है, एक बॉल को आप कहाँ रखोगे, सनलाइट की प्रेजेंस में, डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में, और जो आपका बी बॉल है उसको आप शेड में रखोगे. ठीक है, वन बॉल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्ट सनलाइट एंड द सेकंड वन इज प्लेस्ड इन द शेड. ठीक है, दोनों को क्या करना है, एक शेड में रखना है और एक इसमें रखना है, डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में. ओके, एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है बच्चे, क्या ध्यान रखना है कि आपके बॉल का वॉटर जो है, जब आप उसको सनलाइट और शेड में रखोगे तो वो स्पिल नहीं होना चाहिए.
ठीक है, वो स्पिल नहीं होना चाहिए, उसमें स्पिलिंग नहीं होनी चाहिए, मीन्स वो गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर लेवल इनका इक्वल रखना है, वो गिरना नहीं चाहिए, इसलिए आपको बड़े ध्यान से उसको रखना है, ठीक है। एंश्योर दैट द वॉटर फ्रॉम द बाउल डज नॉट स्पिल, एंड देन व्हाट विल यू विल बी डू, यू विल ऑब्जर्व इट आफ्टर 6 or 8 years द लेवल ऑफ द वॉटर। आपने 8 या 5 या 6 घंटों के बाद आपने देखना है वाटर का लेवल सेम है, किस वाले में सेम है, किस वाले में कम हुआ है। जिसमें कम हुआ है इट मींस उसमें इवेपोरेशन हुई है सनलाइट की प्रेजेंस में। वाटर जो है वेपर्स की फॉर्म में क्या कन्वर्ट हो जाता है और अपने सरफेस को छोड़ के एयर के थ्रू हाइट में चला जाता है, ठीक है। अभी हम उसको क्या करेंगे, धूप में रखेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में रखेंगे। वेट, एक्सक्यूज मी मैम। यस बच्चे। मैम हमने दोनों बाउल मतलब सनलाइट के सामने रखने हैं? दोनों नहीं रखने हैं, हमने एक बाउल को सनलाइट में रखना है एंड सेकंड बाउल को हमने शेड में रखना है, छाया में रखना है मैम, ठीक है। ओके मैम। मैम एक हमने छाँव में रखना और एक हमने धूप में रखना है। यस बच्चे, वन इज प्लेस्ड इन द सनलाइट, सो मैंने एक बाउल को कहाँ रखा है, इन सनलाइट की प्रेजेंस में। ओके, आपको शो हो रहा है, यस और नो? नेम शो शोइंग। एंड सेकेंड वन इज प्लेस्ड इन द शेडो, ठीक है। आप लेबलिंग कर लेना ना, जो आपने सनलाइट में रखा है उसको लेबल करो ए, मार्क इट ए, एंड सेकेंड वन विच इज प्लेस्ड इन द शेडो मार्क इट बी। Yes, Payal. Yes, ma'am. What? Yes, yes ma'am. Yes, bache. Priya, show me your practical. Everyone, show your practicals. Yes, Priyanshi, very good. Yes, Vardhan. Show me both the bowls, everyone. Ma'am, are we now like this? Ma'am, ball number B. अभिनव आपने मार्किंग नहीं की, आपने पेपर नहीं उसमें अटैच किया, हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें वाटर लेवल कम हुआ है कि नहीं हुआ है। मैम आई एम शोइंग यू। यस प्रदान। रमारव। वेरी गुड, वेरी गुड। मैम बॉल नंबर, मैम बॉल नंबर ए, एक शेडो में रखना है, डैश कर देना है बॉल नंबर ए।
यस बच्चे मैम पाली शोइंग यू आई विल बी शोइंग यू मैम बॉल नंबर ए Everyone mute yourself first, please. Everyone mute yourself first, please. Ma'am, please check my. Okay, bachche, okay. I'm sure I'm showing you. Yes, sure, yeah, very good. बच्चे एक सनलाइट के प्रेजेंस में रखो ना एक शेडो में रखो रूम में रख लो एक में रख लो वन वॉल को आप रूम में रख लो ठीक है एंड अदर इज आउटसाइड रखो सनलाइट की प्रेजेंस में मैम रीमा एलिस जॉइनिंग यू मैम आर आई जॉइनिंग यू मैम ओके स्टूडेंट पहले ना अपने ही ऐसे बोलेगा मैम आई एम शोइंग यू मैम आई एम शोइंग यू ऐसे मैं किसी का नहीं देख पा रही हूँ तो ओनली अपनी स्क्रीन पे आप मुझे अपना दिखाएंगे प्रैक्टिकल्स कहाँ कर रहे यस प्रियांशी वेयर इज योर प्रैक्टिकल इमानी आपका बच्चे सीलिंग फैन ही दिख रहा है मुझे मैम वॉल नंबर बी मैम वॉल नंबर ए कांशी नविशा सृजन मैम प्लीज चेक माय ओके बच्चे ओके वेट योर टर्न रिमल रिमल ये शेडो में रखा है आपने सनलाइट में कहाँ रखा है ओके ओके वेरी गुड यस अंशिका अभिलव मैम आई विल चेक माय प्रैक्टिकल समृद्धि यस समृद्धि वेट बच्चे वेट वेट वेरी गुड समृद्धि Priyanshi's practical. Don't unmute yourself. Otherwise, I will not check your practical. Okay, very good, Simriti. Yes, Mannat. 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 Shika Kondal. Yes, Vardhan. Mom, what you will write after evaporation? Evaporation of water. We will observe that the bowl, which bowl has less amount of water, and the rate of evaporation is higher in which bowl? I'm asking for the aim. Aim is that to observe the evaporation in sunlight and shade. Just wait, bachche, wait, wait. Vardhan, the aim of the practical is to observe the evaporation in sunlight and shade. Okay, ma'am. Yes. Thank you, ma'am. And, okay, okay, bachche, okay. And what we will really observe in these practicals, first bowl A or B, which have a less amount of water? And second is, the rate of evaporation is higher in which bowl? A और B, ठीक है हमने दोनों में क्या चेक करना है क्या ऑब्जर्व करेंगे हम व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट इन विच बोल हैज द लेस अमाउंट ऑफ वाटर ए एंड बी एंड सेकेंड इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हायर इन विच बॉल ठीक है हमने क्या चेक करना है स्टूडेंट्स ये जो प्रैक्टिकल आपको मैं करवा रही हूँ ठीक है उसमें हमने क्या चे अभिनव ठाकुर व्हाट आर यू डूइंग ठीक है उसमें हमने क्या चेक करना है इवेपोरेशन रेट एंड वाटर का लेवल किस वाले बॉल में कम हुआ है इसलिए मैंने मार्क करवाया है मार्किंग करवाई है यस यस बच्चे मैम कैन यू शो माय प्रैक्टिकल Ma'am, can you see a bit of practical? Yes, yes, very good. Good. Okay. फिर then 6 to 5 years के बाद आपने देखा water level कम हुआ है कि नहीं हुआ है ठीक है
अगर सनी वेदर रहा तो. Write down the procedure. Write down the procedure of this practical. Take out your rough notebook firstly. Take out your rough notebook firstly and write down the procedure. Take two similar balls. Take two similar balls. And name them as A and B. Shaurya, आप खेल रहे हैं बच्चे? Ma'am. Are you playing with ball? Where is your rough notebook? Where is your rough notebook, Shaurya? I will take it. Okay. Take two similar balls and name them as A and B. And name them as A and B. Now, pour equal amount of water in both the bowls. Place bowl A in front of direct sunlight and B in the shade. And B in the shade. Ensure that water from the bowl does not spill. गिरना नहीं चाहिए. एक बार जो आपने लेवल मार्किंग कर ली है ना, उसके वाटर कंटेंट उतना ही होना चाहिए. लेवल उसका आगे पीछे नहीं होना चाहिए. अदरवाइज आप नहीं ऑब्जर्व कर पाओगे कि इसमें वैपोरेशन हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, तो उसको आराम से आपने उसको रखना है. उस बोल को आपने आराम से सनलाइट की प्रेजेंस में और शेड्स में रखना है. ठीक है, ओके. ऑब्जर्व द टू बोल्स आफ्टर 6 to 8 इयर्स और 5 to 4 आवर्स एंड व्हाट वी विल ऑब्जर्व. नंबर वन ऑब्जर्वेशंस में लिखेंगे. नंबर वन, बोल डैश हैज लेस अमाउंट ऑफ वॉटर. बॉल, अपने उस बॉल का नाम लिखना है जिसमें पानी कम हुआ है. वाटर का लेवल कम हुआ है, अमाउंट ऑफ वाटर डिक्रीज हुआ है. ठीक है, उसका लिखना ए का हुआ है या बी का हुआ है. ठीक है, नेक्स्ट इज सेकंड इज स्पीक अगेन. ओके, I'm repeating again, that is observation. One is, which bowl has less amount of water? Which, B-O-W-L, bowl. Which ball has less amount of water? And second is, the rate of evaporation is higher in which bowl? Evaporation किसमें ज्यादा हो रही है, A में या B में, उसमें आपको लिखना है फिर observation के बाद. Okay students? Yes or no? Yes ma'am. Okay. And this practical is your from discovery book, that is the page number 167. Dhani, why are you moving to and fro? Kya hua bachche? Okay, done. Yes ma'am. ओके, सो इवेपोरेशन क्या होती है कि जैसे आपकी बारिशी मौसम रेन्स कैसे बनती है, रेन वाटर कैसे बनता है. ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सारी प्रोसेसेस के थ्रू जो है वाटर जो है हमारा
इन द फॉर्म्स ऑफ वेपर्स में चेंज हो जाता है, ठीक है, थ्रू किसके थ्रू होता है, इवेपोरेशन के थ्रू, वॉटर लिक्विड वेपर्स में चेंज हमने पढ़ा था ना, सबकी प्रोसेसेस पढ़ी थी, कंडेंसेशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, इवेपोरेशन, फ्रीजिंग, ठीक है, सब्लिमेशन, yes, पढ़ी थी, तो उसमें हमने क्या देखा था, क्या देखा था हमने कि वॉटर लिक्विड वेपर्स में कब बनता है, जब उसमें इवेपोरेशन होती है, तो जब जो क्या होता है, जो वॉटर सोर्सेज होते हैं ना उनका जो सरफेस होता है, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उनकी जो अपर सरफेस में वॉटर जो होता है वो वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा वॉटर, और फिर क्या होगा, वो वॉटर वेपर जो होगा सबसे पहले जो अब जैसे सी की बात करती हूँ, सी की बात करूंगी तो क्या होगा, उसकी अपर सरफेस में जो बहुत ज्यादा सनी वेदर होता है, बहुत ज्यादा सनी डे होता है, बहुत हॉट वेदर होता है जिसमें, तो टेम्परेचर इतना हाई होता है कि जो ओशंस है, रिवर है या पॉन्ड्स या लेक्स है, उनकी जो वाटर सरफेस है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, जो वाटर की लेयर्स है, फर्स्ट लेयर जो है सरफेस पे, वो वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है, अब गर्मी तो इतनी ज्यादा है ही, तो एटमोसफेयर की जो एयर होगी वो भी क्या होगी, बहुत ज्यादा क्या होगी, गर्म होगी, तो उस हवा के साथ वो ऊपर बह जाता है, वो फ्लो करता है ऊपर की तरफ, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हमेशा गर्म हवा कहाँ चलती है, ऊपर की तरफ चलती है, ठीक है, तो एटमोसफेयर में अभी क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है और वाटर के सरफेस के ऊपर एटमोसफेयर क्या, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है, तो हवा भी क्या होगी, हवा भी गर्म होगी, तो गर्म हवा क्या करेगी, उस वाटर वेपर्स को ऊपर तक ले जाएगी, तो जैसे जैसे वो हाइट पे पहुंचेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो वाटर होंगे वो ठंडे हो जाए, वाटर वेपर कंडेंसेशन हो जाएगी, उसमें कंडेंसेशन की फॉर्म में वो वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स, 100 million 1000 वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होकर रेन वाटर फॉर्म करेगी, ठीक है, और वो फिर से क्या आएंगे हमारी धरती में, हमारी अर्थ पे, हमारे लैंड में, एज अ रेन वाटर की तरह क्या आएगा, वो नीचे आएगा, तो इस तरह से इवेपोरेशन होती है, जिसको हम वाटर साइकिल भी बोलते हैं, ओके स्टूडेंट्स, दैट इज द इवेपोरेशन, ओके, तो ये प्रैक्टिकल आपने ऑब्जर्व करना है और फोटो क्लिक करके रखनी है कि वाटर लेवल कम हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, फिर वो वाटर लेवल मैंने देखना है, मार्किंग, फर्स्ट मार्किंग एंड सेकंड मार्किंग, मुझे लेवल दिखना चाहिए इवेपोरेशन का, एवरीवन हैव यू अंडरस्टैंड, ओके, सो दिस इज द इवेपोरेशन प्रैक्टिकल विच बेस्ड ऑन इवेपोरेशन एंड वॉटर साइकिल एट होम, क्रिएट अ वॉटर साइकिल एट होम, नेक्स्ट प्रैक्टिकल वी विल डू दिस प्रैक्टिकल इन नेक्स्ट साइंस क्लब क्लास, टू क्रिएट अ वॉटर साइकिल एट होम, ठीक है, हम वॉटर साइकिल अपने घर में ही बनाएंगे, कि वॉटर साइकिल कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, ठीक है, जैसे अभी हमने ओशंस में देखी वॉटर साइकिल कैसे चल रही है, इवेपोरेशन हो रहा है, फिर कंडेंसेशन हो रहा है, फिर से रेन क्लाउड्स बन रहे हैं, फिर वो क्लाउड्स कैसे फिर से उसमें क्या है, फुल ऑफ वॉटर है, फिर एज इन द फॉर्म ऑफ रेनी रेन वॉटर ड्रॉपलेट से वो फिर से लैंड में आ रहे हैं, सो दैट होल साइकिल इज नोन एज अ वॉटर साइकिल, ओके स्टूडेंट्स, Yes, समझ ma'am. में आया, यस मैम, ये प्रैक्टिकल जो है ये आपने अपनी प्रैक्टिकल नोटबुक में कर लेना है, यस सृजन सैनी, सृजन सैनी,
सृजन सिंह। यस बच्चे, आपने मुझे अपना प्रैक्टिकल नहीं दिखाया था। वेयर इज योर टू बोल्स सृजन सैनी? ओके, आपने जो शेड पे रखा हुआ है सृजन, जो आपने सेकंड बोल शेड पे रखा उसको रूम में रखो, क्योंकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पे भी मे बी आपकी धूप आ सकती है, तो इसको उठा के आप रूम में रखो, ठीक है? सेकंड वन को जो आपका बी है, बी बोल, उसको आपने अंदर रखना है, ठीक है? यहाँ पे तो थोड़ी देर के बाद आपकी शेडो चली जाएगी। ओके ओके गुड, ठीक है। बार बार इसको नहीं डिस्टर्ब करना है इसको, ठीक है? इस प्रैक्टिकल को बार बार नहीं टच करना है। ओके अक्षिता, यस बच्चे, वेयर इज योर बोल्स, वेयर इज योर प्रैक्टिकल बोल, शो मी। सनलाइट डायरेक्ट आ रही है ना अक्षिता? डायरेक्ट सनलाइट आ रही है ना बच्चे? यस मैम। ओके, यस सूर्यांश राणा। सूर्यांश राणा, यस मैम। यस मैम। बच्चे प्रैक्टिकल बोल। Yes, very good. Is it visible? Screen is visible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Shivanshi ने draw किया है, देखो कितना अच्छा बनाया इसने mammals. They are all mammals. Well, well, Shivanshi. Okay. So, students, when your practical is complete, ठीक है? जब भी आपका practical complete होता है ना, then what you will be do? You take a click of your practical. ठीक है? आपने उसकी practical की pic click करनी है, and then send me in. ग्रुप, साइंस ग्रुप, और फिर साइंस ग्रुप में सेंड करनी है आपको आपका प्रैक्टिकल जो है कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ है, ठीक है? जैसे अभी हमने टुडे क्या किया, इवेपोरेशन का प्रैक्टिकल किया, तो आपने क्या करना है, जो बोल में वाटर है उसके लेवल की आपने पिक क्लिक करनी है, इवेपोरेशन हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है? वाटर की फॉर्म्स में ट्रांसपिरेशन तो हमने सबने देखा था, बहुत अच्छी ड्रॉपलेट्स आई थी ना पॉलिथीन पेपर के ऊपर, आई थी कि नहीं आई थी? मैम आई थी, यस सर, है ना? तो उसमें भी आपने, तो आपने क्या करना है, जैसे ग्रुप में वो पिक सेंड करनी है, ठीक है? तो मैं 4 PM पे, 4 PM या 5 PM में ग्रुप ओपन करूंगी, 5 PM में ओपन करूंगी, ठीक है? तो उसमें सबने वाटर लेवल्स की पिक क्लिक करके मुझे सेंड करनी है, ऐसे नहीं करना कि अभी पिक क्लिक करनी है, अच्छी तरह से उसको 4 to 5 hours तक धूप में रखना है, ठीक है? देन यू क्लिक द पिक एंड सेंड मी इन द ग्रुप, साइंस ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स? यस मैम। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।